तिरोड़ा तहसील के सावरा ग्राम पंचायत में आए शासकीय निधि में अफरा तफर करने का आरोप स्थानीय नागरिकों ने किया है। बताया गया है कि सावरा ग्राम पंचायत को गांव विकास के लिए 13, 14 एवं 15वें वित्त आयोग द्वारा निधि प्राप्त हुई है, परंतु कुछ ग्राम पंचायत पदाधिकारी व सरकारी कर्मचारी ने मिलकर इस निधि को सिर्फ 30% ही विकास काम में लगाया है। बाकी 70% निधि अफरा तफर कर सिर्फ कागजों पर दिखाए जाने का आरोप किया गया है। लोग बताते हैं कि ये निधि ग्राम पंचायत ने विकास के लिए मटेरियल देने वाले के नाम फॉरवर्ड किया है। इस ग्राम पंचायत ने MREGS योजना के तहत गाँव के एक ही रोड को अलग अलग जगह बनाया गया है और ये रोड केवल 6 महीने में ही तहस नहस हो गया। रोड बनाने में मुरुम का उपयोग नहीं किया गया, निकृष्ट सीमेंट लगाकर रोड बनाया गया है। स्वच्छता मिशन टप्पा 2 में गांव में जो शौचालय बनाए गए हैं वो नदी किनारे होने से आने वाली बारिश की बाढ़ से बहकर जाने वाले है। इसी ग्राम पंचायत को आय स्वच्छता स्वास्थ्य शिक्षा खेती महिला एवं बाल कल्याण की निधि भी उड़ाई गई है। लोगों ने संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अपील की है कि इस ग्राम पंचायत में विकास के लिए आय प्रकार के निधि की जांच कर अफरा तफरी करने वालों को कानूनी सजा मिले, ऐसी मांग नीरज मिश्रा व गांव वालों ने की है। माझे नाव नीरज भूमेश्वर मिश्रा आहे। मी ग्राम पंचायत कार्यालय सावरा बोंडराणी येथील शेतकरी रहिवासी असून आमच्या ग्राम पंचायत कार्यालयामध्ये फार मोठे घोटाळे झालेले आहेत। आलेल्या निधीपैकी 70% निधी भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने गबन करण्यात आलेले आहेत। MREGS व स्वच्छ भारत स्वच्छता मिशनमध्ये आलेल्या निधीच्या पूर्णतः घोटाळा करण्यात आलेला आहे। MREGSमध्ये निकृष्ट साहित्याचा वापर करून रोड बनवण्यात आली, त्यामुळे 6 महिन्यातच ती रोड फुटलेली आहे व स्वच्छता मिशन अंतर्गत जे शौचालय बांधण्यात आलेले आहे त्यामध्ये फॉरेस्टच्या जागेवर विना परवानगीने ते शौचालय बांधण्यात आलेले आहेत। तसेच ज्या ठिकाणी पावसाळ्याचे पूर येते त्या ठिकाणी ते बांधलेले आहेत। तसेच ग्रामपंचायतमध्ये 13वा वित्त आयोग, 14वा वित्त आयोग, 15वा वित्त आयोग व अन्य येणाऱ्या सर्व सुविधांच्या निधी 70-80% निधी वाढीव GST बिले डुप्लिकेट बिले NBC News के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।